टेलीकॉम सेक्टर अभी लेटेस्ट मार्केट में अगर बात करें आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि टाटा हो, आइडिया हो, वोडाफोन हो, तो ये लेटेस्ट मार्केटिंग ट्रेंडिंग है। यानी 10 मिनट के लिए भी अगर नेटवर्क बंद हो जाए तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इतना उसका डिमांड है मार्केट में फ़िलहाल। अगर इतना डिमांड है तो उसकी सर्विस और उसका जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना स्ट्रांग है गाइज। तो लेटेस्ट अगर टेलीकॉम सेक्टर्स की बात करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स है, जॉब पैकेज भी वहाँ पे बहुत सारे अच्छे मिलते हैं। एज अ फ्रेशर्स इंडिया में 2.5 का पैकेज मिलता है, लेकिन उसमें से आपको ट्रैवलिंग थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है उनके जो ट्रावर्स है या फिर जो भी बेस स्टेशन है वो अलग अलग लोकेशंस पे आइसोलेट किए हो, तो वहाँ पर जाके आपको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। लेकिन हालांकि अभी बात करूंगा कि टेलीकॉम सेक्टर्स के पैकेज के बारे में, तो टेलीकॉम सेक्टर्स का पैकेज बढ़िया रहता है गाइज। एज अ फ्रेशर्स छोटा मोटा कोर्स कंप्लीट करके आप टेलीकॉम सेक्टर्स में जा सकते हैं। टेलीकॉम्स में जाने के बाद एज अ 10,000 सैलरी पे स्टार्ट करेंगे तो भी नो प्रॉब्लम्स। आगे चल के 1-2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपकी सैलरी 4 से 5 लाख तक आराम से जा सकती है। और मैंने बहुत सारे बंदे देखे जिनकी सैलरी अबाउट 20 लाख है। यानी ये सैलरी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होती है टेलीकॉम सेक्टर्स में। तो आप अगर करियर करना चाहते हो टेलीकॉम में तो बेशक आपके लिए अच्छी फील्ड है गाइस। सो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में कहना ना भूले, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।